भगवान झूलेलाल की जयंती चेटीचंद पर बुधवार को अजमेर में सिंधी समाज की ओर से दिल्ली गेट अजमेर स्थित झूलेलाल धाम मंदिर से जुलूस की शुरुआत की गई। पूजन एवं संतों के आशीर्वाद के बाद जुलूस को शुरू किया गया। जुलूस में सबसे आगे भारत पाकिस्तान विभाजन के समय लाई गई प्रज्वलित ज्योत को भी सबसे आगे प्रदर्शन के लिए रखा गया। लोकसभा आयोग स्पीकर अध्यक्ष वासुदेव नानी और अजमेर दक्षिण की विधायक अनिता वधेल ने डांडिया किया। चेटीचंद पर ऐतिहासिक जुलूस में शहर में 8 किलोमीटर का भ्रमण किया। जुलूस में संतों के साथ समाज के लगभग 5,000 से अधिक लोग शामिल थे। करीब 1 किलोमीटर लंबाई के जुलूस की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को लगाया गया। इस बार जुलूस में 56 प्रकार की अलग अलग झांकियाँ लगाई गई। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस की ओर से 500 से ज़्यादा पुलिस तैनात की गई। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ। Thank you.
आज हमारे आराध्य देव झूलेलाल भगवान का अवतरण हुआ और जिस प्रकार से सिंध के अंदर मिरकशाह नाम के अल्पसंख्यक मुसलमान राजा ने सिंधियों पर अत्याचार किए, उस अत्याचारों के द्वारा त्रस्त होकर के इन्होंने दरिया के बाहर 40 दिन का व्रत रखे और व्रत के बाद भगवान अवतरित हुए पल्ले पे और उसके बाद उन्होंने सबको वरदान दिया, हम सबके कष्टों का उन्होंने निवारण किया। ऐसे हमारे आराध्य देव का आज अवतरण हुआ है। सारे देश में जहाँ एक भी सिंधी समाज का व्यक्ति रहता है आज के दिन उनकी पूजा करता है, आरती करता है, जहाँ समूह है वहाँ पे इस प्रकार की शोभा यात्राएं निकलती हैं और अजमेर की शोभा यात्रा शायद पूरे भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ यात्रा है, शोभा यात्रा जिसके अंदर सब लोग, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे महिलाएं जवान हों, सब लोग अपना खेलते कूदते नाचते कूदते शहर के विभिन्न मार्गों से
चलते हैं, एक दूसरे को प्रसाद बांटते हैं और एक दूसरे के साथ मिलन साझता के साथ घूमते हुए, मैं समझता हूँ ये ज्योति और जल का दोनों के आराध्य देव हैं, इन सब को आज के दिन प्रणाम करते हैं और इस यह दिन सबके जीवन में खुशियाँ लाए, स्मृति लाए और सबको हम लाख लाख कहते हैं आज लख लख करोड़ करोड़ अरब अरब वाधायों 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 ये बधाई देते हुए हम चाहते हैं कि अजमेर के विकास और राजस्थान के विकास और मोदी जी का जो सपना है 2047 का, उसमें हम सब लोग सहभागी बने और देश को एक विश्व गुरु के स्थान पर मोदी जी के नेतृत्व हम सब लोग लाएँ। ये झूलेलाल जी का आशीर्वाद हम उनसे मांग रहे हैं, ये आशीर्वाद हम सबको मिले ताकि हम सब लोग मिल करके एक दूसरे का प्रेम स्नेह और आत्मीयता के साथ आगे बढ़े। एक बार पुनः सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ।